ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को करवा चौथ के बारे में बताऊंगा कि करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व है और साथ ही साथ करवा चौथ के व्रत की क्या विधि होती है, करवा चौथ सुहागन स्त्रियां क्यों करती हैं, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह नहा धोकर जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं और चूड़ी और मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और साथ ही साथ 16 श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ की परंपरा महाभारत काल से भी बहुत समय पहले से चली आ रही है और द्रौपदी ने भी अपने पांचों पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो एक तरीके से अगर आप देखें तो पति के लिए अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां रखती हैं और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो करवा चौथ का व्रत होता है उसमें स्त्रियां जो होती हैं, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, वो पूरे दिन ना कुछ खाती हैं ना कुछ पानी पीती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को कथा करने के बाद जब रात के समय चांद आ जाता है और चांद की पूजा करके चांद को अर्घ करके वो अपना व्रत संपन्न करती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करवा चौथ की पूजा के व्रत की विधि क्या है। तो जब शाम को आप कथा करने बैठें तो उस समय पीपल का आसन लगाएं, पीपल के पत्ते आसन में जरूर रखें शाम को कथा करने पे और साथ ही साथ बयाना भी निकालिए। जो बयाना निकालेंगे उसमें जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको सबसे पहले रात को खाना खिलाइए। उसके बाद रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो छलनी में अपने पति को देखकर पूजा को संपन्न कीजिए और चंद्रमा को भी छलनी में ही देखा जाता है। साथ ही साथ मिट्टी का एक कलश और उसमें थोड़ा सा फल का रस जरूर रखिए। उसके अलावा एक लोटा में आप जल भरिए और गंगा जल उसमें थोड़ा सा डालिए और दो आम के पत्ते भी उसमें रखिए जब भी आप अपना व्रत खोल रहे हो। साथ ही साथ पूजा की सामग्री में रोली, चावल, सिंदूर, अगरबत्ती, माचिस और मिठाई, गंगा जल एवं कपूर जरूर रखिए। साथ ही साथ पान का पत्ता भी रखिए और एक जल का लोटा भी रखिए और एक घी का दीवा भी जलाइए। जो आप करवा पूजा के समय पे रखेंगे वो करवा सजा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ उस करवे में जो आप रखेंगे वो करवा आप किसी भी लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखिएगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो भोग लगता है करवा चौथ वाले दिन शाम के समय वो पूरी और सब्जी का भोग लगाइए और रंगोली भी आप बना सकते हैं अपने घर में। रंगोली का भी बहुत महत्व दिया गया है हमारे पुराणों में। साथ ही साथ पति जो भी आपको उपहार देगा करवा चौथ वाले दिन, जैसे कि मान लीजिए कोई नई साड़ी दी तो उस पर गंगा जल छिड़क कर बाद में उसको आप जरूर पहनिए। और साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन आप भगवान से दुआ कीजिए अपने पति की लंबी आयु की। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।